बारीक बताना मुश्किल पीसीबी के। और इसके पहले मैंने बताया था सिंगल कैपेसिटर। सिंगल कैपेसिटर जो होता है वो इस तरीके का होता है, जो कि यूज होता है एयर कंडीशनर। जब वायरिंग करते हैं तो सिंगल कैपेसिटर में इस तरीके का होता है, बट जब डबल कैपेसिटर यूज करते हैं तो उसका अलग होता है। सिंगल कैपेसिटर यानी कि इस वाले कैपेसिटर की वायरिंग मैंने पहले ही बता रखी है। अभी क्या करूंगा, इसको लगाऊंगा एक और। ये तो हमारा जैसे कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए, कंप्रेसर को स्टार्ट करेगा, एक और लगेगा छोटा सा, इससे रहेगा वो फैन को स्टार्ट करेगा। इसमें क्या है, इसमें दोनों एक ही में इंक्लूड है, यानी कि कंप्रेसर को भी स्टार्ट कर देगा और फैन को भी स्टार्ट कर। तो कुछ एसियां ऐसी आती हैं जो सिंगल कैपेसिटर से आती है, मतलब उनमें दो कैपेसिटर नहीं लगते हैं। लेकिन आज जो मैं वायरिंग कराने जा रहा हूं, इसमें है क्या कि दो कैपेसिटर लगेंगे, एक इस तरह का कैपेसिटर लगेगा, एक छोटा लगेगा। अगर ये वाला रहेगा तो डबल एक ही रहेगा, ठीक ना, ये वाला डबल वाला। तो आज डबल वाले कैपेसिटर की वायरिंग कर देखिए किस तरीके से वायरिंग होगी, वही पूरा बताएंगे करके। तो चलिए फटाफट से वायरिंग करते हैं। इधर देखिए ध्यान से, ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर से तीन वायर निकलते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा अगर शुरू से देख रहे होंगे तो। इसमें एक होता है आपका कॉमन, दूसरा होता है रन, तीसरा स्टार्ट। इसमें जो येलो दिख रहा है आपको, येलो वाला कलर जो है ये आपका है कॉमन, ब्लू जो दिख रहा है वो आपका है रन, और जो रेड है वो स्टार्ट। इसके अलावा फैन के लिए यहाँ से देखिए वायर जा रहा है, ये वाला ये फैन का वायर है, ये काला वाला जो है ये फैन का है, और ये एसी का है। इसमें आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा तीन कलर का वायर, देखिए। तो ये येलो है, इसके नीचे ब्लू है यहाँ पे, और ऊपर रेड है। और इसमें जो है पैकिंग में ये पूरा का पूरा हमारा ये जो फैन मोटर है यहाँ लगा हुआ है, देखिए। तो इस फैन मोटर का जो वायर है वो जा रहा है पूरे मोटर का। तो ये हमारा मोटर है। अब आगे चलते हैं वायरिंग पे। तो देखिए यहाँ पे वायर आ जाता है पूरा इस जगह पे, देखिए यहाँ पे आपको सारा वायर देखने को मिल जाएगा, कामर रन और स्टार्ट का तीनों वायर। तो देखिए ये हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर का तीन वायर मिलेगा, मैंने उधर दिखाया था कंप्रेसर से निकला था तब। तो ये हमारा येलो है कामन, ये रन और ये स्टार्ट। और यहाँ आप देखेंगे छोटा सा कैपेसिटर एक है, ये जो कैपेसिटर है ये फैन का कैपेसिटर है, और ये जो कैपेसिटर हम यूज करेंगे ये एसी का कैपेसिटर है। तो इस तरीके जैसे इसमें सेम निकला है, वैसे इसमें भी दो दो आपके पिन इस तरीके से मिलेंगे। अब ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कुछ, क्योंकि ये जो हमारी एसी है पुरानी है और ये मैनुअल चलती है, यानी कि इसको हम ऐसे हाथ से घुमा करके सेटिंग वाला था, इसको हमने किया क्या है, इसमें हम यूनिवर्सल पीसीबी लगा रहे हैं। इस पीसीबी को यूनिवर्सल पीसीबी कहते हैं, मार्केट में मिल जाती है, तो मार्केट से परचेज करके आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं। मतलब अगर कोई एसी इस तरीके की है पुरानी वाले जिसमें पीसीबी नहीं लगा है, तो उसमें भी आप इस तरीके पीसीबी को लगा सकते हैं, और कंप्रेसर को साथ ही साथ उसके फैन को चला पाएंगे। तो आज वायरिंग करके दिखाते हैं किस तरीके से वायरिंग करेंगे आप इसकी, इसका कनेक्शन पूरा टोटल दिखाएंगे। देखिए ये आपका डिस्प्ले बोर्ड है, ये वायर से ऑलरेडी कनेक्टेड होता है, यहाँ से इसको आप निकाल सकते हैं, तो आसानी से निकल जाता है, ये इस तरह से निकल जाएगा। ये पिन पे होता है तो लगाना भी काफ़ी आसान होता है, अगर उल्टा आप लगाएंगे तो ये लगेगा नहीं। इसकी एक खासियत देखिए, मैं उल्टा लगाने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं लगेगा क्योंकि बैठेगा ही नहीं, दिख रहा है ना, ये नहीं बैठ रहा है, तो बैठेगा नहीं। अगर उल्टा आप लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं लगेगा, सीधा ही लगेगा, क्योंकि इनमें सिस्टम जो होता है वो पोकायुक सिस्टम होता है, जो जापान की टेक्नोलॉजी है उसको इसमें लगाया गया। अब पोका एक नहीं पता होगा तो उसकी वीडियो ऑलरेडी है, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। चलिए अब वायरिंग करते हैं फटाफट से, कैसे वायरिंग हुआ पूरा वो देखते हैं। डिस्प्ले बोर्ड को साइड कर, क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं, इसको बस लगा देना आपको। यहाँ पर फेस से स्टार्टिंग करेंगे, तो देखिए ये जो वायर हमारा है ये फेस वाला है, ये जो ब्लैक दिख रहा है ये न्यूट्रल वाला है, और ये बॉडी अर्थ आपका यहाँ पर इंक्लूड होता है। जब शुरू से वायरिंग है तभी देखते जाएगा, क्योंकि बाद में वायरिंग ज़्यादा हो जाती है फिर समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर लिख रखा है फेस, ध्यान देखो, यहाँ लिखा है फेस और यहाँ लिखा है कम। तो फेस वाले में क्या करना है, रेड वाले वायर को आपको लगा देना है, देखिए यहाँ से इस तरह से आपको ये वाला वायर यहाँ पे इनपुट कर देना है। ये तो हमारा हो गया, फेस लग गया। अभी क्या करना है, ये जो कैंप लिखा है यहाँ से कॉमन को जाता है, तो कंप्रेसर कॉमन जो मैंने बताया था येलो कलर का वायर, तो ये येलो वाला वायर हम क्या करेंगे यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्रेसर को, कॉमन को सप्लाई चले गया, यानी कि फेस डाला हमने, कॉमन को सप्लाई दे दिया, तो ये हो गया। इसके बाद से हमारे फैन का हाई लो मीडियम, फेस उनको देना है फैन के हाई लो मीडियम को। तो फैन का हाई लो मीडियम तीन वायर निकालेंगे, तीन वायर में देखिए एक रेड और एक ब्लू साइड कर लेंगे, वो रन और स्टार्ट होंगे। तो रेड और ब्लू, ये हमारा ब्लू है और इधर जो है ये वाला रेड है, तो रेड और ब्लू को साइड कर लेंगे। इसके बाद तीन वायर फिर हमारे बच जाएंगे, तीन वायर में कौन कौन सा वायर बचेगा वो दिखा देता हूँ आपको। तो ये तीन वायर बच रहे हैं, इसमें एक येलो है, एक ब्राउन है और एक ऑरेंज है। इस वायरिंग का स्टिकर ऑलरेडी स्टिकर पे लिख रखा है कि जो येलो है वो हाई है, जो ब्राउन है वो मीडियम है, और साथ में जो ऑरेंज है वो लो है। तो स्टिकर पे लिख रखा है, एक बार स्टिकर आपको दिखाते हैं, लाल स्टिकर देखिए यहाँ पर वायरिंग है पूरा स्टिकर इसका।
स्टिकर में दिया है कि जो येलो है वो एच आई यहाँ पे लिखा है, एच आई का मतलब हाई, जो मीडियम है वो ब्राउन और जो लो है वो ऑरेंज, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। और जो फेस जा रहा है सबसे पहले लाइन यानी कि फेस में, और यहीं से कहाँ जा रहा है कंप्रेसर के कामन को, तो मैंने कामन लग दीजिए। यहाँ पे कलर भी देखिए लिखा है येलो, तो सेम जो वायरिंग यहाँ की है वही वायरिंग आपको करनी है। तो हमने हाई लो मीडियम को तीनों वायर अभी लगा देना है, फिर स्विंग मोटर को सप्लाई देनी ब्लैक कलर से, तो ये भी ब्लैक रहेगा और ये भी ब्लैक रहेगा, यहाँ पे लिख रखा है। और न्यूट्रल जाएगा न्यूट्रल जंक्शन में, न्यूट्रल जंक्शन से होकर के कैपेसिटर में, इसके कैपेसिटर में और एक इसके कैपेसिटर में। अभी वायरिंग करके दिखाते हैं कैसे होगा। अभी तो करना क्या, हमको तीनों वायर ले लेना है हाई लो मीडियम को। हाई वाले के लिए देखिए यहाँ पर लिख रखा है हाई, तो हाई वाले में हम हाई वाले क्या कर देंगे, लगा देंगे। यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे हाई दिखेगा, तो ये आपका है हाई, हाई वाले में इसका हाई वाला वायर। इसके बाद से मीडियम, दस दूसरे पे है एम ई डी लिखा होता है, पूरा नहीं लिखा होता है एम ई डी, तो ब्राउन जो है यहाँ पर मीडियम है, तो हम उसमें इसको लगाएगा आपको लो कलर में, तो ऑरेंज वाले को भी हम यहीं पर इंक्लूड कर देंगे। तो ये हो गया ऑरेंज और ये है लो। अभी क्या करना है स्विंग मोटर, तो यहाँ पे स्विंग मोटर के लिए लिख रखा है, तो स्विंग मोटर सप्लाई हम यहाँ से देंगे। बट स्विंग मोटर देखिए इस तरीके का स्विंग मोटर होता है, इसमें दो वायर होते हैं ब्लैक कलर के। अभी इसको कनेक्शन करना नहीं है, आसान है, लास्ट में बता दूंगा। यहाँ से देखिए देंगे स्विंग मोटर को, यहाँ से फेस देंगे और इस साइड से न्यूट्रल दे दें किसी एक में से, तो ये सप्लाई उसको हो जाएगी। अभी फेस हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, बारी है न्यूट्रल की। चलिए न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं। न्यूट्रल की वायरिंग करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ये पूरा न्यूट्रल है, यहाँ पर लिख रखा है न्यूट्रल, तो इसमें ये पूरा न्यूट्रल किसी एक में डालेंगे तो सब में से न्यूट्रल निकलना चालू होगा। तो हमने न्यूट्रल एक में इनपुट कर दिया, अब न्यूट्रल यहाँ डाल दिए तो इन दोनों में न्यूट्रल निकलेगा। अभी क्या करना है, एक वायर लेना है और उसकी दो लर्ची बनानी है, एक इस कैप्सूल को सप्लाई देना है और एक उसको। चलो यहाँ पर देखिए मैंने बना लिया लर्ची कुछ इस तरीके का। अब एक वायर को जब इनपुट करेंगे तो इसमें से दो वायर निकल जाएगा इस तरीके से, देखिए यहाँ पे। तो करना कि हम इसको इनपुट कर देंगे तो इसमें से दो ऐसे निकल जाएगा और एक चला जाएगा हमारे फैन के कैपेसिटर को, एक हमारे कंप्रेसर के कैपेसिटर को, तो दोनों को देना है। यहाँ देखिए ये जगह लगा दिया मैंने, ये हमारा कंप्रेसर कैपेसिटर है, इसको सप्लाई दे देता हूँ यहाँ पे देखिए। तो इसको न्यूट्रल देना है, जहाँ न्यूट्रल देंगे, अभी याद रखने वाली बात ये है, जहाँ न्यूट्रल देंगे वहीं से इसके ब्लू वाला वायर, देख रहा ना ब्लू वाला ये रन है, तो रन को सप्लाई वहीं से देना है, ये याद रखना है। इसके बाद से क्या आपका है, इसके बाद स्टार्ट की बारी है, तो स्टार्ट इसके जस्ट बगल से, तो ये हमारा रेड वाला जो था वो कंप्रेसर का स्टार्ट था। कामन का वायर तो मैंने पहले ही लगा दिया है ना, कामन का वायर देखिए यहाँ पर पहले ही लगा दिया गया, ये वाला जो इसमें लगा हुआ था रिले में। अभी इसको करना है, इसको लगा दे रहे हैं और ये स्टार्ट वाला है, इसको इसमें लगा देंगे। तो ये हमारी वायरिंग हो चुकी है कंप्रेसर की कंप्लीट। अब चलते हैं फैन की वायरिंग में, तो ये जो दूसरा वायर हमने निकाला है ये कहाँ देंगे, फैन में। तो फैन के जिस सिरे में देंगे, देखिए फैन के कैपेसिटर जिस सिरे में डालेंगे, मैंने मान लीजिए इसमें डाल रहा हूँ, तो क्या करूँगा इसी में से निकाल के दूंगा उसके रन को। तो वायर निकाल लेते हैं दो और, फैन का रन और स्टार्ट। तो ये देखिए ये पूरा हमारा फैन का वायर है, इसमें से दो वायर हमको निकालना है, ये दो वायर हो गए, एक ब्लू और एक रेड, यही दोनों बच रहे हैं। तो ब्लू वाले को लगाना है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये आपका स्टार्ट है, तो ब्लू वाले को हम यहाँ पर देखिए लगा दे रहे हैं, ये ब्लू वाला इसमें लग गया, ये हो गया हमारा रन। और सप्लाई जो बढ़ा के जाएगी किसको जाएगी, स्टार्ट को, तो उसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं, स्टार्ट वाला इसके जस्ट बगल में लगेगा, तो ये हम यहाँ पे इसको लगाएंगे स्टार्ट वाले को इसके अंदर में, यहाँ से ये स्टार्ट वाला आपका लग गया। तो ये पूरी वायरिंग कंप्लीट हो गई है, इसको हल्का से कर दें, टेढ़ा हो रहा है बस। तो ये इस तरीके से वायरिंग से अभी चेक करेंगे तो चलना चाहिए। चलिए इसको चला के चेक करते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं। तो प्लग इन हो चुका है, स्टार्ट कर देखिए, स्टार्ट होते क्या हो गया, यहाँ पे ये चालू हो गया है ना, चाहे बिल्कुल सही है। फिर भी देखते हैं वर्किंग करता है कि नहीं, तो फिर भी हमारा यहाँ पर है, देखिए वर्किंग कर रहा है, यही से बंद करते हैं। बंद करने के लिए कहाँ करेंगे फिर यहाँ पर, ये है देखिए, तो यहाँ से ये बंद हो जा रहा है, पीस भी आपकी वर्किंग कर रही है। अभी इसको क्लिक करेंगे तो फिर से इसको स्टार्ट हो जाना चाहिए है ना, तो पीस भी देखिए चालू हो गया, मतलब सही है। तो इस तरीके से वायरिंग होती है, डबल कैपेसिटर की वायरिंग इस तरह करते हैं। साथ ही साथ अगर आपका ऐसा सिस्टम हो तो उसमें आप यूनिवर्सल पीस भी, ये पूरी यूनिवर्सल पीस भी मतलब मार्केट से परचेज करके किसी भी एसी में लगाने के लिए यूनिवर्सल पीस भी आती है, तो आप ये वायरिंग पूरी
कर पाएंगे इस तरीके से। पूरा यहाँ पे आपका सिस्टम है, ये यूनिवर्सल पीसीबी का पूरा हब है और ये इसका डिस्प्ले बोर्ड है। तो इस तरीके से पूरी वायरिंग इसकी की जाती है दोनों का, डबल कैपेसिटर के साथ में, और साथ साथ सिंगल कैपेसिटर वाला भी वायरिंग मैंने तीनों का, मतलब इसका अगर करना देखना होगा तो इसकी वीडियो ऑलरेडी है, ये बता दिया है और ये डबल वाला भी बता दिया हूँ। तो जैसा होगा आप दोनों कर सकते हैं। ओके,